आपने कभी ऐसा ट्रैक्टर नहीं देखा होगा शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतना साफ़ सुथरा और इतनी बढ़िया कंडीशन का ट्रैक्टर आप लोगों को बहुत ही मुश्किल से मिलता है। किसान भाइयों ट्रैक्टर इतना ज़बरदस्त है, शानदार है कि आप लोग भी एक बार तो बोलेंगे कि वाह सर क्या ट्रैक्टर है। आप भी एक बार तो दांतों तली उंगलियां ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर में कमी नहीं है, एक रुपये की भी लागत नहीं है ट्रैक्टर में। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों मैं PR मीना आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान फायदे का सौदा के ऊपर। किसान भाइयों आज हम इस ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे, ये ट्रैक्टर कौन सा मॉडल है, कहाँ पे आपको मिलेगा, कितने में मिल जाएगा, सारी बात हम करेंगे। ट्रैक्टर के बारे में जो बात मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई है कि आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, तो वास्तव में आप उंगली दबा लोगे इसकी कंडीशन देख के। इसके जो पीछे के टायर है बस वो ख़त्म है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी ट्रैक्टर पूरा ओरिजिनल कंडीशन में। आप जानते हो इतना पुराना ट्रैक्टर है और आज भी सेफ्टी में ऐसा का ऐसा है, तो समझ सकते हैं कि ट्रैक्टर कितना चला हुआ है किसान भाइयों। चलो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के ऊपर बात करते हैं, इधर उधर की बातें बाद में कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस ट्रैक्टर का जो मॉडल है वो तो ये 2002 मॉडल ट्रैक्टर है किसान भाइयों। आज से लगभग कितने साल पुराना हो गया, 2023 चल रही है, 21 साल पुराना ये ट्रैक्टर है। अब आप सोचो यार कि 21 साल पुराना ट्रैक्टर और आज भी ऐसा का ऐसा है, तो आप सोच सकते हो कलर के बारे में। तो आप जब सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कलर है इसका और आप बोल रहे हो ऐसा कैसा ट्रैक्टर है, तो किसान भाइयों जब 2002 मॉडल ट्रैक्टर आया था, कंपनी ने जब 2002 निकाला था, उस टाइम पे ट्रैक्टरों में जिस कंपनी ने इनके पेंट किया था वो पेंट सक्सेस नहीं हो रहा था। अब ये क्यों नहीं हो रहा था ये तो कंपनी वाले बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन 2002 मॉडल जब ट्रैक्टर आया था उसके बाद में 2005 और 2006 तक ये दिक्कत रही थी कलर वाली, 2005 और 6 तक ये दिक्कत थी कलर वाली, क्योंकि जिन भी ट्रैक्टरों के उस टाइम के कलर थे वो सबके कलर फॉल्ट हुए थे। फिर भी मान देखिए आप कहीं पे गलावट है क्या, आपको कहीं पे गलावट नज़र आ रही है, देखिए आप है क्या कहीं पे गलावट, अच्छे तरीके से देखिए आप, नहीं है ना। तो इसलिए कह रहा था कि मैं ट्रैक्टर की जो सेफ्टी है वो देख के आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। अब आप ये जानते हो कि छोटी मोटी तो हो ही जाती है, चलो बात कर लेते हैं। आगे के जो टायर है आपको ये बता देता हूँ किसान भाइयों, जो आगे के टायर है वो इसमें नए डलाए गए हैं। कहने को तो ये टायर करीबन किसान भाई ने 10 माह पहले डलवाए थे, 10 माह पहले ही उन्होंने ये ट्रैक्टर में टायर डलवाए थे, लेकिन टायर डलवाने के बाद में ट्रैक्टर चला नहीं है ज़्यादा, क्योंकि किसान भाई बता रहे हैं कि उनके पास मात्र 10-12 बीघा खेती है, उसमें उन्होंने इसे काम लिया है। तो आप सोच सकते हो यार इतने से में चलता है ट्रैक्टर तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, खेत में चलने में कोई टायर थोड़ी घसते हैं ज़्यादा। तो आप मान सकते हो कि 10-12 महीने पहले उन्होंने टायर डलवाए थे आगे वाले, तो वर्तमान में कितने होंगे, तो लगभग 90% या 85% के आसपास तो ये होंगे होंगे, इतने तो हम मान सकते हैं ना। तो आगे वाले टायरों की स्थिति ये है, पीछे वाले टायर उन्होंने हमें बताया है कि लगभग इसमें जो पीछे वाले टायर है 30% के आसपास बताए हैं किसान भाई ने, लेकिन आप 30% मत मानो और भी कम मानो, क्योंकि 20% मान लो आप फिर भी ये चलेगा ट्रैक्टर, तो इस साल चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और आप नए डलवाना चाहो तो नए भी डल जाएगा। इंजन के बारे में जो किसान भाई ने हमें बात बताई कि इस ट्रैक्टर के इंजन में इतनी ताकत है कि आप सोच नहीं सकते हो कि इतना पुराना ट्रैक्टर है और इतनी ताकत इसके इंजन में मिल जाएगी, तो लगभग 85% के आसपास, 80 मान लो आप 80-85% के आसपास इसका इंजन है ट्रैक्टर का, ऐसा उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने मिस्त्री को इसको दिखवाया था तो मिस्त्री ने उनको इस तरह की जानकारी उपलब्ध करवाई थी। कलावट है नहीं, आपने ये देख ही लिए किसान भाइयों, स्टेयरिंग का काम उन्होंने करवा दिया है तो एकदम ओके, सेल्फ स्टार्ट ट्रैक्टर है, बैटरी एकदम ओके है, अमरगाटों के ऊपर इस तरीके से फंटे आपको लगे हुए मिल जाएंगे, जैसा कि आप पंप की तरफ से भी आप ट्रैक्टर को देख सकते हो। इसके साथ में ये बम्पर मिल जाएगा आपको इस तरीके से, और ये टायर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, आप देख सकते हो किसान भाइयों जो MRF के टायर है सामने वाले ये मिल जाएंगे, और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो किसान भाइयों। ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार कंडीशन का ट्रैक्टर है, जैसा किसान भाई ने हमें जानकारी उपलब्ध करवाई है उसी के हिसाब से हम आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। किसान भाइयों यहाँ पे जो फंटे हैं अधिकतर ट्रैक्टरों में मात्र इसके ऊपर ही रहते हैं, अमरघाटों के ऊपर ही, लेकिन इसके अंदर आपको बताऊँ ये फंटा है जो यहाँ से यहाँ तक भी है, तो इस तरीके से इसमें फंटा लगा रखा है बैठने के लिए, तो इसमें आप अच्छी तरीके से बैठ भी सकते हैं किसान भाइयों यहाँ पर आपने देख लिया ट्रैक्टर को दूसरी तरफ से, ट्रैक्टर की कंडीशन मैंने बताई दी। RJ नंबर आपको बता देता हूँ, इसके जो RJ नंबर है वो नंबर 11 में आपको ही मिलेगा। अब आप कहोगे सर कि हम तो RJ 11 नहीं जानते कहाँ के, चलो हम बताएंगे, आप नहीं जानते हो तो क्या दिक्कत है। तो धौलपुर नंबरों में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा किसान भाइयों, तो धौलपुर नंबरों में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा। चलो धौलपुर के तो इसके नंबर है, लेकिन ये पासिंग कहाँ है, तो ये दौसा ज़िले में पासिंग है, तो आपको ये दौसा ज़िले में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। दौसा ज़िले में कहाँ पर मिलेगा, तो बांदीकुई क्षेत्र में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा किसान भाइयों, तो दौसा ज़िले में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। चलो अब इसकी कीमत के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार आप पीछे से देख लीजिए इसकी लैंकें, तो इस तरह की लैंकों में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा, वो मिल जाएगा, साथ ही टायरों की
कंडीशन आप देख सकते हैं, अमरगाटू की स्थिति भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसान भाइयों यहाँ पे मैं इसका वीडियो आपको दिखाऊंगा, उससे पहले थोड़ा और दिखा देता हूँ। ये इसका जो लेबल है वो लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना चला हुआ है। जो कंपनी टेफे का लेबल लगा हुआ आता है जब ट्रैक्टर खरीदते हैं हम, तब का है, तो आज भी देखो ये लगा हुआ है ना किसान भाई। यही दिखाना चाह रहा था मैं आपको कि ट्रैक्टर कितनी सेफ्टी से है और कितना साफ़ सुथरा ये ट्रैक्टर है। इसकी कीमत की बात भी मैं बता देता हूँ, फिर आपको ट्रैक्टर की आवाज़ सुना दूंगा। तो इसकी जो कीमत मांग रहे हैं किसान भाई, 2,25,000 रुपये इसकी कीमत मांग रहे हैं। जब आमने सामने बैठ के आप उनसे बात करोगे तो हो सकते हैं थोड़ी बहुत कीमत कमती बत्ती हो जाए, तो आप आमने सामने जब बैठ के उनसे बात करोगे तो ज़रूर वो कमती बत्ती कुछ कर देंगे आप लोगों के लिए। तो आप एक बार उनसे संपर्क कर लेना। उनसे संपर्क करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से उसके किसान भाई के नंबर लेके उनसे बात करनी है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अब देख लेते हैं इसका जो वीडियो है वो, तो वीडियो में आपको सब कुछ अच्छी तरीके से नज़र आ जाएगा, फिर हम और बात कर लेंगे ट्रैक्टर के ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर का यहाँ पर आपने देखा है और सुन रहे हैं ट्रैक्टर की आवाज़ कितनी ज़बरदस्त और कितनी शानदार आवाज़ में आपको ये ट्रैक्टर मिलेगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ट्रैक्टर की आवाज़ आप सुनिए, मैं आपको ट्रैक्टर को चारों तरफ से दिखा दूंगा आगे पीछे से, और आप अच्छी तरीके से ट्रैक्टर को देखिए समझिए, और बाकी जानकारी तो मैंने आपको सारी वीडियो में बताई दी है, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं बोल के आप लोगों को बता दूँगा। यहाँ पे आपने देख लिया है ट्रैक्टर का वीडियो, जिसमें आपने ट्रैक्टर की आवाज़ भी काफ़ी बढ़िया सुनी होगी, और ट्रैक्टर की आवाज़ में देखिए आप कितनी दम है और कितना ज़बरदस्त और कितना शानदार ये ट्रैक्टर है किसान भाइयों। ट्रैक्टर की शॉर्ट में जानकारी आपको एक बार फिर बता देता हूँ मैं, RJ 21-11 में आपको ये मिलेगा, धौलपुर नंबरों में आपको मिलेगा, दौसा ज़िले में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा किसान भाइयों, बांदीकुई क्षेत्र में ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको मैंने बताया दिया कि इसके आगे वाले टायर नए हैं, पीछे वाले टायर ख़त्म से 20% के आसपास है, इंजन 85% के आसपास इसका इंजन है ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार कंडीशन में ये ट्रैक्टर है। 2,25,000 रुपये किसान भाई इस ट्रैक्टर की कीमत मांग रहे हैं किसान भाइयों। बाकी अधिक जानकारी के लिए आपको किसान भाई से ही संपर्क करना होगा, उनके नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उनके नंबर लेके उनसे बात कर सकते हैं किसान भाइयों। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, और अन्य किसान भाइयों तक इस जानकारी को शेयर भी करें। अन्य किसान भाइयों को भी आप बताएं कि हमारे राजस्थान का एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो सीधे किसानों से संपर्क में और किसानों के द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर ही आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता है। हम जो भी आप लोगों के लिए जानकारी लेके आते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य होती है, एक भी बात उसमें झूठ नहीं होती है। तो मिलते हैं किसान भाइयों एक और ऐसी जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए आज्ञा। जय हिंद।